नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ। बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का डाटा रिलीज किए जाने का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया है। यह शीर्ष अदालत द्वारा निजता पर दिए गए आदेश का खुला उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगी। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपकी दलील सुनेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC राज्य की कुल आबादी के 63% है। इससे पहले बिहार सरकार में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था। तब याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथ ने कहा कि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए राज्य विधानमंडल की ओर से कोई कानून पारित नहीं किया गया था। यह प्रतिक्रिया राज्य सरकार की तरफ से एक कार्यकारी अधिसूचना के आधार पर शुरू हुई। यह गोपनीयता का उल्लंघन हुआ। उनका तर्क था कि निजता के अधिकार का उल्लंघन वैध उद्देश्य के साथ निष्पक्ष और उचित कानून के बिना नहीं किया जा सकता है। यह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अर्ध न्यायिक आदेश नहीं बल्कि एक प्रशासनिक आदेश है। ऐसे में इसके लिए कोई कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस खबर के लिए आज बस इतना ही। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।